महाकवि भारतियार इंतकालमार अरविंदर योगी तन आमी पणिदार मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं दिल्ली में काफी सारे साथी मुझे मिल चुके। मैंने पुदुचेरी की यहां की परिस्थिति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी ली है और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अगले चुनाव में पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। நண்பர்களே, இங்கே வந்திருக்கும் அனைவரையும் நான் ஏற்கனவே சந்தித்திருந்தாலும் புதுச்சேரியில் ரேலிக்கு சம்போதித்து கரையிலே தாவா கியா கி புதுச்சேரியில் பார்ட்டி ஜனதா பார்ட்டி கி சர்க்கார் பண்ணே ஜா ரஹி ஹே ஔர் ஜனதா சாஹதி ஹே கி புதுச்சேரியில் பார்ட்டி ஜனதா பார்ட்டி கி சர்க்கார் பண்ணே நடந்திருக்கும் நிகழ்வுகளை என் அரசியல் அனுபவத்தை வைத்து உங்கள் முன் சொல்கிறேன். வரும் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைமையிலே தான் புதிய ஆட்சி மலர போகிறது, இதுதான் உண்மை। मित्रों, हम जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 से हम प्रयासशील थे कि पुदुचेरी छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूरे देश भर के अंदर एक मॉडल राज्य बने। नरेंद्र मोदी जी ने 115 से ज्यादा योजनाओं को यहां भेजकर पुदुचेरी के सर्वांगीण विकास के लिए आगे कदम बढ़ाए, मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी पॉलिटिक्स करना चाहती थी। इनके मन में डर था कि अगर ये योजनाएं पुदुचेरी के अंदर लोकप्रिय होती है तो उनकी नींव खत्म हो जाएगी। इन्होंने योजनाओं को नीचे नहीं दिया। नारायण सामी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मगर मैं आज आपको वादा करता हूं, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दीजिए, एक छोटे से राज्य को हम भारत का गहना बनाकर दुनिया के सामने रखेंगे। நண்பர்களே, तो पुदुचेरी के लिए बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि पुदुचेरी में एक ऐसी सरकार थी जो केंद्र की किसी भी योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही थी और सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा था। उन्होंने पुदुचेरी के लोगों से अपील भी की कि हमें सिर्फ एक बार मौका दीजिए, हम इस छोटे से राज्य को भारत का गहना बनाकर दुनिया भर के सामने पेश करेंगे। मोदी जी की इच्छा है कि पुदुचेरी को एक मॉडल राज्य बनाया जाए। मोदी जी ने पुदुचेरी में 115 योजनाओं को लागू करने की कोशिश की, राज्य सरकार ने केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया। पुदुचेरी में अब की बार एनडीए की ही सरकार बनेगी, ये कहा है गृहमंत्री अमित शाह ने। पुदुचेरी में उनकी रैली जारी है और 115 योजनाओं को मंजूरी केंद्र की तरफ से दी गई पुदुचेरी के लिए। बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई, कांग्रेस के कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले, इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। நண்பர்களே, இங்கிருக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நாராயணசாமி की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से सवाल खड़े किए गए, आरोप लगाए गए कि बीजेपी ने सरकार गिराई, उसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன், இந்த நிகழ்வு எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம், साफ साफ कहा कि पुदुचेरी का सीएम अपने नेता के सामने झूठ बोलता है। इस बात का जिक्र भी गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में किया और उन्होंने कहा कि आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार गिराई, लेकिन सरकार तो खुद ही गिर गई। बेस्ट रीलर अवार्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, मगर बेस्ट रीलर अवार्ड, सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीलर अवार्ड नारायण सामी जी को जरूर मिलना चाहिए। உலகத்திலே நல்ல பொய் சொல்றவர்காக ஒரு விருது கொடுக்கணும்னா पूर्व मुख्यमंत्री नारायण सामी पर निशाना साधा गृहमंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने का अगर कोई अवार्ड होता है तो वो नारायण सामी को मिलना चाहिए। पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं होती उनकी नजर,
गांधी परिवार की सेवा करने में और चरण स्पर्श करने में ही इनका ध्यान रहता था। और ये भी आरोप लगाया कि नेताओं का ध्यान पुडुचेरी के विकास में नहीं केवल गांधी परिवार की सेवा करने में ही लगातार लगा रहता था कि गांधी परिवार को खुश रखा जाए, गांधी परिवार किसी तरह से नाराज ना हो जाए, लेकिन पुडुचेरी का विकास उनकी लिस्ट में नहीं था। आप मुझे बताइए, ये इतने सारे बड़े बड़े नेता पुडुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुदुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही है। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण सिर्फ पुदुचेरी नहीं पूरे देश में बिखर रही है और पुदुचेरी के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरीके से लोगों को संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है कि कांग्रेस में वंशवाद की परंपरा है, जिसकी वजह से पार्टी की स्थिति मैं पुदुचेरी की जनता को याद कराना चाहता हूं। गत चुनाव में कांग्रेस पार्टी नमः शिवायम के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जब मुख्यमंत्री बनाने का बारी आई तो गांधी परिवार के पैर कौन पकड़ता है इसको मेरिट मानकर नारायण सामी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ा पुदुचेरी की जनता के साथ धोखा और कोई नहीं हो सकता। सीधे तौर पर गांधी परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुदुचेरी में चुनाव हुआ था नारायण स्वामी का ध्यान राज्य के विकास पर बिल्कुल भी नहीं था, केवल गांधी परिवार को खुश करने पर था और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो कौन गांधी परिवार का कितना करीबी है इसीलिए नारायण स्वामी को सीएम बनाया। काल पिடிச்சு பதவி பிடிக்கிறதுல தான் அவர் கவனம் இருந்தது। இது புதுச்சேரி மக்களுக்கு செய்த துரோகம் இல்லையா? நீங்க போட்ட வாக்கு அவர் அவமானப்படுத்தலையா? மித்ரோ, यहां पर इस छोटे से प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम ये नारायण सामी सरकार ने किया। இங்க ஊழலை மட்டும் வளர்க்கும் छोटा सा राज्य है और छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम नारायण सामी सरकार ने किया। 15,000 करोड़ जो भारत सरकार ने यहां सीधे भेजे, मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आपके गांव में ये 15,000 करोड़ रुपया आया है क्या? पुदुचेरी इन वलर्ची का भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे, लेकिन सीधा सवाल ये है कि क्या लोगों तक वो 15,000 करोड़ रुपए पहुंचे? आनाल नींग सोलेंगे उंग ऊर्ले ला அந்த பணத்தோட வளர்ச்சியோ திட்டங்களோ வந்து சேர்ந்திருக்கா? आया है क्या? வந்திருக்கா? பதில் சொல்லுங்க। तो मोदी जी ने भेजा हुआ 15,000 करोड़ कहां गया? ये नारायण सामी ने ये 15,000 करोड़ रुपया कट मनी कर गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिया। 15,000 करोड़ रुपए जो मोदी सरकार ने भेजे आखिर वो गए कहां? बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि नारायण सामी ने ये 15,000 करोड़ रुपए कटमनी करके गांधी परिवार के सेवा में दिल्ली भेज दिया। மத்திய அரசு கொடுத்த பணத்தை கூட கொண்டு சேர்க்க முடியாத முதல்வர் தான் இங்க இதுவரை செயல்பட்டு இருக்கார். இன்னொने एसटी एससी फंड को भी नहीं छोड़ा है। இவர் பட்டியலினத்த மக்களுக்காக ராஜசாமி சர்க்கார் ने एसटी एससी फंड को भी नहीं छोड़ा है। பணத்தை கூட விட்டுவிட்டார் गृहमंत्री अमित शाह ने। புதுச்சேரி बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, जहां 75% से अधिक युवा बेरोजगार है। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए, ये 75% का जो बेरोजगारी का दर है उसको हम 40% के नीचे लाकर रहेंगे। पुदुचेरी முன்னாடி இருக்கான் பார்க்கிறேன் पाता इंगे पढ़ते ही दावा किया कि पुदुचेरी में 75% से ज्यादा युवा बेरोजगार है और हमें अगर एक मौका पुदुचेरी की जनता देती है तो हम सबके लिए रोजगार सृजन का काम करेंगे। बाजा काट से हमें इंदुडन इंद यंनी के ये 40% तक कीले ना उड़न अड़िया का कुंड वरवेन ये ला इलेंगे अगले कुम बेले कड़े का वाई पेर पड़ती तरवों। मित्रों, पुदुचेरी की चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम आईटी पार्क लाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं नारायण सामी जी को,
भैया नारायण स्वामी 5 साल खत्म हो गए, वो आईटी पार्क कहाँ है आपका, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ है, जरा हमें भी तो तनिक एड्रेस दे दीजिए, जाकर हम देख ले इसको। अरे और वाकुर्दी कुर्ता रहो। सवाल उठाया अमित शाह ने कि कांग्रेस से बहुत दावा किया था पुदुचेरी के चुनाव में कि हम आईटी पार्क बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे, लेकिन वो कहाँ है उसका पता दे दीजिए। அதெல்லாம் வந்துச்சா உங்களுக்கு கிடைச்சதா மித்ரோ? லோக்கல் பாடிஸ் கே சுனாவ் லோக்தந்திர கே அந்தர் பஹுத் மஹத்வபூர்ண ஹோதா ஹை, ஆப் பதாவ் லோக்கல் பாடிஸ் கே சுனாவ் பஞ்சாயத் சுனாவ் சமய் பர் ஹோனா சாஹியே யா நஹி ஹோனா சாஹியே? எல்லாரும் பதில் சொல்லுங்க। लोकल बॉडीज के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये चुनाव पंचायत के चुनाव तमाम चुनाव समय पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये बड़ा सवाल उठा है। मगर आपके यहाँ अंतिम 2006 में चुनाव हुआ, 14 सालों से हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में डर था अगर चुनाव हुआ तो भाजपा का कमल यहाँ खिल जाएगा। अरे नारायण स्वामी कब तक बचोगे? लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हुए, इस बार विधानसभा के चुनाव के अंदर कमल खिलने जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं पुदुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है, उसको ये भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है, वो पुदुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या, बताइए भाइयों? जानकारी नहीं तो ऐसे नेता कैसे भरा करेंगे।